અવાજ બરાબર સંભળાય છે ને? હા સ્વામીજી, બરાબર સંભળાય છે. ઓકે ઓકે, બસ તો આપણે સ્ટાર્ટ કરી દઈએ છીએ. નમો અરિહંતાણં, નમો સિદ્ધાણં, નમો આયહિયાણં, નમો વત્સાયાણં, નમો લોયે સર્વ સાહુણં. એસો પંચ નમકારો, સર્વ પાપ પરાશનો, મંગલાનં ચ સર્વેષિં, પરમં હવૈ મંગલમ્. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાન કી સાક્ષી મેં, વર્તમાને મહાવિદે ક્ષેત્ર મેં વિદ્યમાન તીર્થંકર ભગવાન શ્રી સિમંદર સ્વામી કો અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરતા હું. વાત્સલ્ય મૂર્તિ શ્રી દાદા ભગવાન કો અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરતા હું. 33 કોટી દેવી દેવતાઓ કો અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરતા હું. વિતરાગ શાસન દેવી દેવતાઓ કો અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરતા હું. નિષ્પક્ષપાતી શાસન દેવી દેવતાઓ કો અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરતા હું. ઇસ ક્ષેત્ર કે રક્ષક દેવી દેવતાઓ કો અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરતા હું. સમસ્ત બ્રહ્માંડ કે સભી જીવો કે રિયલ સ્વરૂપ કો અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરતા હું. જગત ભર કે સંત પુરુષો કા યોગબલ, જગત ભર કે સત પુરુષો કા યોગબલ, ઔર પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાન કા યોગબલ, સમસ્ત વિશ્વ કા કલ્યાણ કરે કલ્યાણ કરે કલ્યાણ કરે, ઔર કલ્યાણ કરને કા નિમિત્ત બનને કી, હમ સબ મહાત્માઓ કો પરમ શક્તિ દે શક્તિ દે શક્તિ દે. જગત કે સભી જીવ સુખ ઔર શાંતિ પ્રાપ્ત કરે, જગત કે સભી જીવ સમાધાન પ્રાપ્ત કરે, જગત કે સભી જીવ મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે, જગત કલ્યાણ હો, જગત કલ્યાણ હો, જગત કલ્યાણ હો. હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, મેં આપકો અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરતા હું, ઔર આપકી સાક્ષી મેં શ્રી પદ્માવતી માતા ઔર શ્રી ચકેશ્વરી માતા કો અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરકે પ્રાર્થના કરતા હું કે
हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों प्राप्त हो हे श्री अम्बे माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसी शायदवाद वाणी शायदवाद वर्तन और शायदवाद मनन करने की परम शक्ति देव जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। सभी महात्माओं को साइंटिस्टों को मेरा नमस्कार जय सच्चिदानंद। स्वामी जी नमस्कार जय सच्चिदानंद सबके तरफ की। अभी आप सबके लिए जैसे समय का अंतराल बढ़ता रहता है वैसे ही जैसे आप सबके समय के लिए आप सबका अभी धीरे धीरे समय का अंतराल बढ़ता रहता है सत्संग सुनने का वैसे वैसे आप सबको मालूम होना चाहिए कि ये सत्संग का प्रत्येक समय का जो अंतराल होता है वो आपको ट्रेनिंग देने के लिए है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए है, क्योंकि आपको दुनिया के सामने या कुदरत के सामने आपको एग्जाम देनी है। तो ये कोई डर की बात नहीं है और ना ही कोई दिक्कत की बात है, हमारे लिए ये बहुत सुनहरा मौका है कि हम इसकी प्रैक्टिस करते रहे और कुदरत के सामने अपनी प्रैक्टिस को पेश करके हम अपने जीवन में ये विज्ञान को किस प्रकार से समझ पाए हैं, उपयोग कर सकते हैं या अनुभव करते हैं, ये दुनिया के सामने या तो कुदरत के सामने हमको ये पेश करना है अपना अनुभव। तो इसीलिए ये हमारे लिए मौका है, तो इस मौके को ये मत समझना कि हमको ये सत्संग भी कम मिलता है, ये मत समझना। और दूसरी बात ये है कि आप सब धीरे धीरे आध्यात्म हिंदी है ना, और इसीलिए मैं समझता हूं आप सब इतने तो सद्भागी हैं, कम से कम ये विज्ञान आध्यात्म विज्ञान जो सनातन विज्ञान है जो कुदरती कानून के ऊपर आधारित है और 6 शाश्वत तत्वों के ऊपर आधारित है, ये विज्ञान सुनने का या समझने का जो मौका मिला है आप सबको, और अभी तो आप सब लोग अच्छी तरह अपने जीवन में प्रैक्टिकल यूज भी करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से हम आध्यात्म विज्ञान के अनुभव के मार्ग में जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं और आधि व्याधि और उपाधि में भी हम समाधि अनुभव करते हैं कर रहे हैं और चिंता मुक्त दशा की अनुभूति हम सब कर रहे हैं और मन वचन काया से मुक्तता की अनुभूति कर रहे हैं, धीरे धीरे अवस्थाओं में कर्तापन और मालिकीपन से भी मुक्तता की अनुभूति कर रहे हैं और अपना जो स्वस्वरूप है जिसको हम शुद्धात्मा बोलते हैं, चेतन है, अविनाशी है और वो अनंत शक्ति वाला है, इसका भी हम धीरे धीरे दृढ़ता से और निश्चय हम दिन ब दिन पक्का कर रहे हैं। तो आइए हम सब साइंटिस्ट मुमुक्षु जिज्ञासु यही विज्ञान को और गौर से समझने की कोशिश करें और अपनी दृष्टि को और परिपक्व और मजबूत करें और अपने जीवन में जो कुछ भी बाधाएं आती हैं, कंफ्यूजन होता है या कुछ प्रश्न खड़े होते हैं, इनका
समाधान प्राप्त करें। आइए हम सब आपको, मैं आप सबको बधाई और शुभकामना देता हूं कि धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो, ये देखकर मेरे को बहुत खुशी हो रही है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जैसे कि आज तक हमने सत्संग में कई बार सुना है कि मन वचन क्रियाएं जो भी करती हैं वो सब व्यवस्था कुदरत रचना है, और इंटेंशन, भाव, समझ और मान्यता, ये हमारी बिलीव है और इससे कर्म बनते हैं और आत्मा स्वस्वरूप स्व प्रकाशक है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी अवस्था हमारे सामने आती है, चाहे मेरी मन वचन काया है, चाहे सामने वाली व्यक्ति के मन वचन काया, वो सब कुदरत की रचना है, आप कुदरत के कानून के हिसाब से चलते हैं। तो हमें बस यही रखना है कि ये जो प्रक्रिया हो रही है, प्रकृति अपने स्वभाव में है और आत्मा अपने स्वभाव में है, और हमें बस बिलीव ही करना है। बिलीव से ही कर्म चार्ज होते हैं, और बिलीव यही करना है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ और ये सब कुदरत के अधीन चल रहा है ये सब। तो क्या हर अवस्था में यही ज्ञान हाजिर रखें कि इसके अलावा भी कुछ एकाद स्टेप आगे है जो उसका उपयोग करना पड़ेगा? आपका वीडियो नहीं दिखता है, आपका वीडियो दिखता नहीं है? वीडियो तो, वीडियो मेरा ओपन है। कोई बात नहीं, सबसे पहली बात यह है कि ज्ञान और दर्शन शुद्ध होना यही मुक्तता और वितरागता की दशा है, ठीक है जी। ज्ञान और दर्शन दोनों शुद्ध होना यही मुक्तता की अनुभूति है और यही वितराग दशा है, जिसमें राग द्वेष नहीं होते, कसाय नहीं होते, कर्म नहीं होते। और ज्ञान दर्शन शुद्ध कैसे होगा? जब मैं कौन हूं, मैं चेतन हूं, मैं अविनाशी हूं और मैं खुद ही अनंत शक्ति वाला हूं, ये लक्ष्य में रहेगा ज्ञान के रूप में। और दर्शन के रूप में रहेगा मन वचन काया और पांच इंद्रियों से जो भी अनुभव में आता है वो कुदरती रचना है। आप समझे जी? जी। तो जब कुदरती रचना देखेंगे तो मालिकी भाव, कर्ता भाव का कोई सवाल नहीं रहेगा जी हाँ, राग द्वेष का कोई सवाल नहीं रहेगा जी। यही तो वितरागता है। और ये कुदरती रचना के आगे आपको क्या समझना है वो मैं अभी बता रहा हूं जी। कुदरती रचना के आगे आपको कुदरती कानून को समझना है और उसके ऊपर कुदरत यानी छह सनातन तत्वों को समझना है, जो मैंने पहले भी बताया है। कुदरत, कुदरत छह सनातन तत्व जो है उसके बारे में तो नॉलेज तो है हमको, लेकिन उसका उपयोग हम ये नहीं कर पाते हैं। बस इतना ही रहता है, कोई भी अवस्था रहती है तो उसमें जागृति रहती है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ और हमारा मन वचन काया और सामने वाले का मन वचन काया वो सब कुदरत के अधीन है और कुदरती रचना से या कुदरती कानून से चलते हैं। ओके, फिर तो बस नहीं, ये देखते हो फिर पजल क्या होता है? पजल तो कुछ नहीं, बस क्वेश्चन यहाँ खड़ा होता है कि बस यही प्रक्रिया करने से ही हमारा डेवलपमेंट मेरा बढ़ेगा कि इसके अलावा भी कुछ और करना है जी। जी जी जी, और इसीलिए मैंने कहा ना कि कुदरती रचना से ऊपर आपको हर अवस्था कुदरती कानून से बनी हुई है वो देखने की जरूरत है जी। और इसके ऊपर अगर समय मिले, फ्री टाइम मिले, तो छह तत्वों से और कुदरती कानून से अवस्था बनती है वो देखने का प्रयास करो। समझ में आया जी? जी, अल्टीमेट आपको छह तत्व सभी अवस्था में दिखने चाहिए, वो अल्टीमेट है जी, ये मेरा गोल है। हाँ, मगर अभी कुदरती रचना देखना वो कंपल्सरी पार्ट है जी, इससे नीचे नहीं जाने के। जी जी जी, तो ये मैंने तीन ऑप्शन आपको दिखा दिए। प्राइमरी स्टेज ये है, हर अवस्था को कुदरती रचना देखो, चाहे अपने मनोचन का या दूसरे का मनोचन का या और पूरी सृष्टि दिखती है, वो सब कुदरती रचना है। उसके ऊपर जाना है तो हर अवस्था को कुदरती कानून के रूप में देखो, क्योंकि कानून ही, कानून के मुताबिक ही कुदरती रचना होती है, अपनी मर्जी से नहीं होती है। ये कानून क्या है कि उसको कैसे समझे?
कानून का मतलब होता है जैसे दिन रात होता है, कौन करेगा जी, कौन मैनेज करेगा? कुदरत, कुदरत। ये बारिश होती है, ठंडी होती है, गर्मी होती है, कौन मैनेज करेगा? सब कुदरत की ही रचना है और कुदरत का ही कानून से चलते हैं। एकम भी तीज पूनम अमास कौन मैनेज करता है? ये सब कुदरत का ही कानून से चलता है। फिर ये समंदर के अंदर भर्ती उठाती है, कौन मैनेज करेगा? कुदरत। और हमारा जन्म जीवन मृत्यु की हर अवस्था है, कौन मैनेज करेंगे? हमको तो नहीं मालूम, कुदरत ही करते हैं। बस जब कुदरत ही करती है तो कुदरत कानून के मुताबिक थोड़ी करेंगे। कुदरत तो कानून के हिसाब से ही करेंगे ना। जी, इसी जी, को कुदरत के कानून कहते हैं जी। जी जी, ये अब धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं, धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं और उसमें बहुत ही अच्छा लगता है आपका वो। लेकिन हमारा ये क्लियर तो हो गया कि मन वचन का, पहले मैं कंफ्यूजन में था कि ये मन वचन काया से ही पुरुषार्थ होता है, लेकिन अब मुझे क्लियर हो गया है कि मन वचन काया सिर्फ कुदरत की ही रचना है और हमारी बिलीव जो हमारी मान्यता है वहां पुरुषार्थ होता है और हमें वहां करेक्शन करना है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ और बाकी सब कुदरत की रचना ही है। और दुनिया के कोई भी धर्मगुरु के साथ जाकर ये बात करोगे तो वो खुद आपके ऊपर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि ये ज्ञान किताबों से ऊपर का है जी, ये किताबों का ज्ञान नहीं है जी। हाँ, ऐसा मैंने कभी पढ़ा भी नहीं था। और ये ज्ञान का कोई कॉम्पिटेंट नहीं है, हरीफ नहीं है जी। इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्स का मतलब होता है ये विज्ञान सबको इफेक्टिव है, वो जाने या न भी जाने, ना जाने और नहीं जानते हैं, उसका नाम अज्ञानता। और हमको अज्ञानता ही निकालना है बस जी। असम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन से ये ज्ञान, ये अज्ञानता निकलेगी। और सम्यक ज्ञान समझ, जैसे आप लोग, मैंने आपको बता दिया मैं कौन हूँ और कौन चलाता है। जी हाँ जी हाँ, ओके जी जी ओके। और कोई प्रश्न है जी? नहीं। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। कहाँ से बोल रहे हैं? गोरखपुर से मैं बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। ओके ओके, बॉर्डर टू हमारी इच्छा है, आप हमारी इच्छा है कि आपको उत्तर प्रदेश में बुलाएं गोरखपुर में, और उसका प्रयास भी कर रहे हैं, हम जल्दी आपसे संपर्क करेंगे। अभी नेपाल की यात्रा रखेंगे तब आपके यहाँ आएंगे, गोरखपुर बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। जी जी जी, जरूर, भाग्य हमारे खुल जाएंगे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मैं ये जानता हूँ मेरा केवल ज्ञान प्रकाश में कि मैं दृश्य के सामने दृष्टा हूँ और ज्ञेय के सामने ज्ञाता हूँ, और मुझे जे भी दृश्य दिखाई देते हैं उसमें मैं दृश्य हूँ, और ये सब जो चलता है वो सब कुदरत की रचना है, ऐसा ही मैं विशेष समझता हूँ। तो ऐसा पूरे टाइम जो देखना वही उसको शुद्ध उपयोग कहा जाता है? यस, यू आर राइट। हाँ, इससे शुद्ध उपयोग दूसरा कौन सा हो सकता है? बराबर, सही है। दोनों सनातन सत्य आप देखते हो तो उसमें अशुद्धि तो है ही नहीं। बराबर, यही तो शुद्ध उपयोग है। अच्छा, यही तो बढ़िया है, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा ज्यादा रखते हैं। बराबर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। स्वामी जी, एक दूसरा भी पूछो। यस, बोलिए। एक दर्शन में क्लैरिटी कैसे होनी चाहिए? दर्शन में क्लैरिटी कैसे होनी चाहिए, मतलब जो ये अपने जो दर्शन में कोई अपने सामने जो दिखता है तो वही हिसाब से, वो क्लैरिटी के हिसाब से नहीं दिखता है, जो भी दिखता है वो सब कुदरती रचना तो है, वही तो दर्शन है। बराबर, इसमें और क्लैरिटी क्या चाहिए?
सही है, जो भी दिखता है वो कुदरती रचना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। फिर प्रक्रिया कौन सी है, दृश्य कौन सा है, या अवस्था कौन सी है, वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली बराबर, जो भी है, जो भी है ये। नहीं सही है जी। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पहले तो देखना जानने वाला एक करके उसको प्रतिष्ठित आत्मा बना दो और दृश्य को अलग कर दो। ये कॉमन आंसर हो गया। ओके। दृश्य को देखने वाला जानने वाला वो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है और दृश्य खुद देखने वाला जानने वाला नहीं है। ठीक है, दूसरा मैंने स्वामी जी सॉरी अभी हम तपाच से अलू बोला नहीं, मैं समझ ना पड़ी। प्रतिष्ठित आत्मा का काम देखना और जानना है दृश्यों को। यस, बस वही मैंने कहा। એટલે બે જોવો અને જાણવું બે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા ઉસકા હી રોલ હૈ। હા હા। ઓર જો પહેલે આપને જો ક્વેશ્ચન કિયા હૈ કે દેખને વાલા ઓર જાનને વાલા દોનો અલગ હોતા હૈ, તો ઇસમે સિમ્પલ સ્ટેટમેન્ટ હૈ। જો આપકા મન વચન કાયા જો ડિસ્ચાર્જ ભાગ મે હૈ વો જાનને વાલે યાને પુરુષાર્થ કરને વાલે નહીં હૈ। યસ, પુરુષાર્થ કરને વાલા તો પ્રતિષ્ઠિત આત્મા ઉસકો જાનને કા હૈ। Hmm. और देखने की क्रिया है जो दृश्य की क्रिया, वो तो मैकेनिकल है। ओके, दैट्स गुड, या अंडरस्टूड। तो दृश्य देखने वाला जो प्रतिष्ठित आत्मा जो डिस्चार्ज है वो तो मैकेनिकल है, वो पुरुषार्थ नहीं करता है। हाँ। मगर जो जानने वाला है वो पुरुषार्थ करता है। मैं उनके साथ अटैच रहूं, डिटैच रहूं, या और कोई पुरुषार्थ करूं। ओके। समझ पड़ी गई। और तीसरा एंगल ये है कि हम जो कुछ भी कर्म लेकर आए हैं वो देखने वाला और जानने वाला, तो अभी जो कर्म लेकर आए हैं वो डिस्चार्ज भाग है। चार्ज वाले भाग के पास स्वतंत्रता है जानने की और पुरुषार्थ करने की। जो देख रहा है मैकेनिकल डिस्चार्ज के रूप में, उनके पास पुरुषार्थ करने की स्वतंत्रता नहीं है। वो खुद ही कुदरती रचना या कर्म फल के स्वरूप है। okay. वो दृश्य हो गया, यानी मन बुद्धि चित अहंकार तीनों दृश्य हो गया। यस। तो डिस्चार्ज है, और देखने वाला जानने वाला कौन हो गया, लाइव प्रतिष्ठा। हां, लाइव प्रतिष्ठा। हां, कंफर्म, यू नो दिस इज, हमने कंफर्म कर लिया, ऐसी ही समझ थी। बट थैंक यू स्वामी जी। या कमलेश बेन। हां, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। मैं ये सुबह मैंने अरिहंत पे सुना आज कि मतलब ये जो आज हम दृष्टि जो हमारी एक ही व्यक्ति है उसको अलग अलग तरीके से हम देख रहे हैं उसको, जैसे एक ही व्यक्ति को चार लोग हैं अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं, तो ये दृष्टि आज जो हमें प्राप्त हुई वो कहाँ से लेकर आए हैं हम? तो आपने उसमें बताया कि पिछले जन्म का जो है हमने वो चार्ज किया हुआ है, लेकिन वो सूक्ष्म रूप में चार्ज किया है और आज वो स्थूल रूप में डिस्चार्ज में आता है। तो उस टाइम जैसा ज्ञान दर्शन था, तो जैसा ज्ञान दर्शन उस वक्त पे था हमारा, तो उस वक्त उसी हिसाब से वो चार्ज हो गया, मतलब वैसा ही देखने में आ रहा है आज वो। लेकिन आज का जो ज्ञान दर्शन आज हमको जो मिल रहा है, तो वो दृष्टि में मतलब उसे अब ये जो देख रहे हैं, मतलब ये जो आज जो हम देख रहे हैं व्यक्ति करके, तो ये जो और जो हमारे अंदर में बिलीफ है कि ये बेटा है या ये है मेरा, उसको देख रहे हैं नाम रूप से जान रहे हैं, तो ये इसमें आज के ज्ञान दर्शन से तो परिवर्तन तो आएगा ना उसमें, तो वो तो बदली हो जाएगा, तो नेक्स्ट बर्थ में फिर क्या दृष्टि होगी फिर हमारी उसमें? इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर, इसको और थोड़ा बताइए स्वामी जी इस बारे में। सबसे पहली बात ये है कि हम अभी जो भी अवस्थाओं को जिस प्रकार से देख रहे हैं, वो देखने वाला और अवस्था ये दोनों कुदरती रचना है जी। और वो इन बीट है, जैसे आप जिसको माँ बाप कहने वाले हैं वही आपके सामने आएंगे, भाई बहन कहने वाले हैं वही आपके सामने आएंगे, पति पत्नी कहने वाले हैं वही आपके सामने आएंगे, जिसको आप बच्चा या बच्चे कहेंगे वही आपके सामने आएंगे। अच्छा, तभी तो आप इसको बिलीव करते हैं।
तो हिसाब के आधार से है मतलब ये सब। तो हिसाब भी तो कर्म फल का मतलब क्या हुआ? हिसाब, हाँ हाँ, कर्म फल का मतलब भी हुआ। कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी परिवार के लोग तो समझ में आ जाते हैं कभी हमारे ऐसे जुड़े हुए हैं, जैसे माता पिता है, भाई बहन है, वो तो हम जुड़े हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मगर हम शादी करते हैं तो उनके परिवार के लोगों का जो रिलेशन होता है वो भी तो समझ में आता है ना, वो भी आता है ना। हाँ, हाँ, तो भी सब समझ आया। तो इसीलिए कहा ना, ये सब कुछ बिलीफ लेकर आए हैं आप, अच्छा तभी तो आप इस प्रकार से देखते हैं। अगर आपका लड़का है और लड़के की सास को देखना है तो आप लड़के की सास को कैसे सास देखते हैं? ये रिलेशन लेकर आए। ओहो, अच्छा, तो ये इसको ही कहते हैं डिस्चार्ज बिलीफ। डिस्चार्ज बिलीफ, अच्छा, और सामने जो दिखता है वो डिस्चार्ज अवस्था है। अच्छा, ये दोनों जुड़ा हुआ है, अवस्था और बिलीफ। कॉज के अंदर, कॉज के अंदर बिलीफ थी और कर्म था, और रिजल्ट में बिलीफ और अवस्था, कॉज का इफेक्ट बन गया अवस्था, और बिलीफ रही भुगतान के लिए। जी, जैसे आपने पाप किया है और पाप का फल कोई नुकसान है, एग्जाम्पल 5,000 रुपया का नुकसान होने वाला है, वो पाप का फल है, तो पाप का भुगतान वो आपकी बिलीफ हो गई, और जो नुकसान फिजिकल होता है वो अवस्था हो गई। अच्छा, तभी तो आप फील करोगे ना कि मेरे को नुकसान हुआ, तभी तो, राइट, अकेली बिलीफ, अगर नुकसान नहीं होता तो बिलीफ कैसे काम करेगी? हाँ हाँ, ऐसे अच्छा, फायदा होता है तो सेम थिंग। अच्छा 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 अच्छा, तो मतलब वो बिलीफ उससे बनती है, फिर वो नहीं, वो अवस्था के रूप में निकलती है। हाँ, मगर अभी जो निकल रही है वो डिस्चार्ज बिलीफ है, अभी जो निकल है, हाँ, वो तो डिस्चार्ज बिलीफ हो गई। हाँ, और अवस्था भी डिस्चार्ज है। हाँ, तो आज जो हमको ज्ञान मिल रहा है उससे तो डेफिनेटली उससे तो परिवर्तन आ ही रहा है, उससे तो चेंज, काफी चेंज आ रहा है उसमें, तो बिलीफ भी बदल रही है। अभी तो हमारी एक ही भावना है, हमको मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग प्राप्त चाहिए, हमको संसार के लिए लायक और सहायक नहीं चाहिए, वो हमारी डिमांड नहीं है। हाँ, राइट, पहले डिमांड ही यही थी। हाँ, पहले तो यही डिमांड थी। तो इस जब आप मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग प्राप्त करोगे, इसका मतलब है कि भुगतान, हाँ, तो मन वचन काया को ही होगी, मगर वो भुगतान में आप, हाँ, आपके शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन की जागृति रख सकोगे। अच्छा, यही मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग है। अच्छा जी, जैसे राम को वनवास हुआ मगर वो वितराग रहे, तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक बन गया। हाँ, राम की सीता रावण ले गए, युद्ध किया, मगर वो वितराग रहे, तो उनके लिए मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक बन गया। हाँ, यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? जी जी, हाँ जी, वो वितराग रहे तो ठीक है। हाँ, तो हाँ, आपका विजन भी ऑटो मोड काम करेगा। अगर आपने राग द्वेष वाला विजन किया है पुरुषार्थ में, तो वो भी ऑटोमेटिक काम करता है ना राग द्वेष करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो सेम ये मित्रा, ये मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक का विजन काम करेगा, सेम जैसे राग द्वेष करेगा वैसे वो काम करेगा। अच्छा अच्छा, इंटेंशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एट द टाइम ऑफ कॉज। अच्छा, इंटेंशन, तो वो कॉज की इफेक्ट आएगी। अच्छा, हुँ? जी जी जी, तो इफेक्ट दो प्रकार की होती है। हाँ, एक 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 स्पीच और एक्शन के रूप में इफेक्ट होती है, और दूसरी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के रूप में इफेक्ट होती है। हाँ, तो उसमें आपको मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक ज्ञान दर्शन रहेगा।
अच्छा तो फिर बाद में आपको पुरुषार्थ करना आसान रह जाएगा। जब डिस्चार्ज में ही आप जागृति लाए हैं तो फिर पुरुषार्थ तो कोई मतलब कोई एफर्ट करने की विशेष जरूरत नहीं है। करेक्ट करेक्ट, एकदम से क्लियर हो गया। समझिए गे और ज्ञाता को जो बताते हैं हम गे, तो ये गे फिजिकल होता है कि नॉन फिजिकल है ये गे? ये तो गे कैसे क्या टाइटल ऑफ दर्शन है। टाइटल ऑफ दर्शन मतलब जो आपको एग्जांपल आपके सामने एप्पल एप्पल पड़ा है हाँ, तो वो दृश्य है जी हाँ हाँ, मगर ये एप्पल है वो ज्ञान है। हाँ एप्पल वो ज्ञान है, ठीक है ठीक है। तो टाइटल ऑफ दृश्य हाँ वो ज्ञान हो गया, टाइटल ऑफ दृश्य ठीक है वो ज्ञान हो गया ठीक है, और अवस्था हाँ, वो दर्शन हो गया। ये आकार हाँ, ये कलर ये है जी, ये टेस्ट उसका ऐसा है, ये सब दर्शन में गया हाँ, मगर टाइटल दृश्य का टाइटल तो क्या है हाँ, वो एप्पल है वो ज्ञान होगा, ज्ञान आप समझे हाँ 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 वो ज्ञान हो गया हाँ, टाइटल ऑफ एप्पल ठीक है। तो गे क्या, गे किसको बोल रहे हैं? गे ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता हाँ, ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता। ज्ञेय का मतलब होता है ज्ञान को जानने वाला, दृश्य को जानने वाला, वो ज्ञाता दृष्टा है और आत्मा खुद स्व पर प्रकाशक है। वो ज्ञान दर्शन दोनों अपने स्वभाव में खुले होते हैं, चाहे मिथ्या है चाहे संकित है। अच्छा एक वीडियो में मैंने सुना है जिसमें आप बता रहे हैं जैसे शरीर है, देह है, ये देह है। तो ये देह जो है ये तो दृश्य हो गया, तो इसमें दृश्य इसको मतलब मैं जैसे जैनी हूँ, हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, जो भी है ये, तो ये सब इसको जान के क्या करना है? लेकिन गेम मतलब जो आपने बताया उसमें कि ना जैसे मोह उत्पन्न हुआ उसको देख के, टाइटल ऑफ बॉडी, टाइटल ऑफ बॉडी वो ज्ञान हो गया, वो ज्ञेय का ज्ञान हो गया, वो गेय का ज्ञान हो गया। बॉडी से बॉडी तो दुनिया के कोई शरीर को बॉडी नहीं कह सकते आप, नहीं दुनिया की कोई भी शरीर जो है मनुष्य का इनको आप बॉडी नहीं बोल सकते हाँ, मगर टाइटल का हाँ, मतलब क्या होता है? ये मेरा हस्बैंड है, इट्स अ टाइटल। अच्छा ये मेरा अच्छा, लड़का है, वो टाइटल हो गया। बॉडी तो कॉमन है, बॉडी तो कॉमन है हाँ, वो दर्शन में हो गया। ज्ञान का मतलब होता है टाइटल, टाइटल ऑफ द बॉडी। अच्छा दर्शन में टाइटल ऑफ द बॉडी, अच्छा तभी तो रिलेशन आएगा, तभी तो रिलेशन आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, विदाउट टाइटल रिलेशन कैसे आएगा? हाँ विदाउट टाइटल कैसे आएगा, तभी आता है वो हाँ। अच्छा समझ में आया? हाँ जी आया, मतलब टाइटल ऑफ द बॉडी जैसे उसको मैं जान रही हूँ ये मेरा वो है, वो ज्ञान है, टाइटल ऑफ द बॉडी है, तो वो ज्ञान है, वो ज्ञान है। जैसे, तो जैसे हमको सामने हमने शाम को कार दिखती है, वो कार है, उनका कलर हाँ, दिखता है, ग्लास दिखता है, सब कुछ दिखता है, वो दृश्य है हाँ, मगर ये कार है वो ज्ञान है, टाइटल ऑफ द बॉडी। अच्छा अच्छा ओके हाँ, आकार 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 रूप रस गंध और स्पर्श दिखता है, वो दर्शन है। एंड टाइटल ऑफ द अवस्था इज अ गे, ज्ञान होता है वो। अच्छा रूप रस गंध, एक बार और बताइए स्वामी जी। रूप रस गंध स्पर्श और आकार ये पांचों पांच टाइटल दर्शन में जाएंगे, और उनका नाम है वो ज्ञान में जाएगा। अच्छा अच्छा उनका नाम ज्ञान में जाएगा। अच्छा अच्छा वही तो नाम ही तो आइडेंटिफिकेशन है ना।
नाम ही तो आइडेंटिफिकेशन, वो ज्ञान हो गया, ठीक है ओके अच्छा हाँ अब क्लियर हुआ, अब क्लियर हुआ ओके आपका ठीक है स्वामी जी, अब क्लियर हो गया सारा ओके स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नरेश भाई। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, कोटि कोटि वंदन। जय सच्चिदानंद। यस हाँ स्वामी जी, वो पालीताना सत्संग में आपने बताया था कि जो नहीं टिकता है वो नाटक, और जो हमारा अगला जन्म का हमने पट कथा लिखी है वो हिसाब से कुदरत नाटक भजवा रही है हमसे जी। हाँ स्वामी जी, तो उसमें मुझे बहुत खुला हुआ, पहले मैं ये समझ रहा था कि हमको अभिनय करना है लेकिन करे कैसे, श्वास लेने की भी तो स्वतंत्रता है, नहीं तो करे कैसे, खाली देखना है हमको, ये भाषा की मर्यादा है। हाँ स्वामी जी, तो ज्ञानी पुरुष बोलते हैं कि आपको नाटक करना है, तो हम समझते हैं कि अब नाटक हमको करना है, करना नहीं है, जो हो रहा है वो ही नाटक, वो ही नाटक है, और कुदरत ने हमारी ही पटकथा लिखी हुई, खाली वो रूपक में लाते है कुदरत, फिर भी हमको जब मालूम नहीं था तब तो रागद्वेष होता था, और अभी कैसा होता है कि हमने ऐसा बीज डाला होगा, ऐसा कभी कभी होता है स्वामी जी। नहीं नाटक है वो तो सही है, नाटक का जो रोल करते हैं वो तो आपके कर्मों का फल है, मगर नाटक को सच्चा मानते हैं वो आपका अज्ञान है, अज्ञान है। हाँ स्वामी जी बराबर है, जैसे दुनिया का नाटक जो होता है वो 3 घंटे का होता है। हाँ स्वामी जी, और मनुष्य का नाटक होता है 3 अवस्था का होता है, बचपन, युवानी और बुढ़ापा। हाँ स्वामी, और एक बार जो अवस्था खत्म हो जाती है वो बार दूसरी बार नहीं आती है, तो नहीं आती नाटक है बराबर से। अगर आपका आपकी उम्र 50 साल की है तो बाद में 51 आएगा, फिर 50 नहीं आएगा, फिर 52 आएगा, एक ही अवस्था दूसरी बार नहीं आएंगी, क्योंकि नाटक नहीं है, हर अवस्था एंड होती ही रहती है, हम करते नहीं है, ऑटो मोड अपने आप खत्म हो रही है, इसलिए तो नाटक है। नाटक में भी हर समय, हर संजोग, हर पात्र, हर अवस्था खत्म होती रहती है। हाँ स्वामी जी, पहले ये सस्पेंस मूवी लगता था तो हमको इंटरेस्ट लगता था कि चलो देखने जाए क्या होगा, लेकिन अभी तो लगता है कि हमारा जीवन ही पूरा सस्पेंस पिक्चर है, अगले क्षण में क्या होने वाला है वो मालूम ही नहीं है। नहीं मालूम है। मेरे को लोग सब पहले पूछते थे प्रश्न कि स्वामी जी हम ज्ञानी पुरुष को कैसे पहचानेंगे, तो मैंने बोला आपने कुछ उसके बारे में सुना है, पढ़ा है, तो बोलता है हाँ हम इसको सुन के भी पहचान सकते हैं या तो देख के भी पहचान सकते हैं, ऐसा लोग बोलते थे पहले। मैंने कहा 25 साल या 50 साल तक पति पत्नी साथ में रहते हैं फिर भी एक दूसरे को नहीं पहचान पाते हैं। बराबर है, वही आंखों वही बुद्धि से, वही आंख वही बुद्धि से आप ज्ञानी को पहचान पाओगे? नहीं, दृष्टि दृष्टि चाहिए स्वामी। इनके लिए दृष्टि होगी तभी पहचान, दृष्टि चाहिए, ये आंखों की बुद्धि का सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है स्वामी। ये विनाशी अवस्था तो आप देख सकते हैं, जान सकते, देख सकते। हाँ हाँ स्वामी, ज्ञानी पुरुष को ज्ञानी के रूप में देखना, अनुभवी के रूप में देखना, ये आंखों की बुद्धि की बात नहीं है, नहीं है, नहीं है स्वामी। डेवलपमेंट होगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। उत्कृष्ट प्रमाण, उत्कृष्ट प्रकार का पुण्य कर्म भी चाहिए, डेवलपमेंट भी चाहिए, और अभी की जो संजोग चाहिए, अभी का वर्तमान संजोग चाहिए, बहुत कुछ इकट्ठा होता है तभी ये सब होता है स्वामी जी। जी प्रभु, कोटि कोटि वंदन स्वामी जी, जागरूकता बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद दे दो बस। जरूर जरूर, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। राजपाल। हाँ स्वामी जी, मुझे ये कहना था कि जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, आत्मा का कोई वजन नहीं होता ना? नहीं होता है। तो जब हम मतलब माँ बनते हैं तो वेट आता है, ऐसे महसूस होता, बच्चे का आता है। हाँ बच्चे का, तो वो क्या चीज होती है? आत्मा का नहीं होता है,
जड़ तत्व का होता है, जड़ तत्व का उसके साथ वो बॉडी आत्मा का वजन नहीं। हमारे बॉडी में एक आत्मा नहीं है, हमारे बॉडी में अनंत आत्मा है। हाँ, बैक्टीरिया वगैरह बहुत। हाँ, अभी आप समझ गए। क्या उसका वेट होता है? हाँ, वही सवाल, वही पे मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि फिर हमें जब माँ बनते हैं तब हमें जब महसूस होता है, और अभी वो बच्चे की बॉडी का वेट होता है। तो ऐसे क्यों, मतलब हमारे बदन में और भी बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो पर्टिकुलर आत्मा का ही हमें क्यों वेट महसूस होता है? क्योंकि वही वेट वाला है, बाकी बैक्टीरिया जो एकेंद्रीय उनका तो वेट होता ही नहीं है। तो एकेंद्रीय में आत्मा नहीं होता है? आत्मा होता है, मगर आत्मा का वेट नहीं होता है। जो घन स्वरूप होता है उनका वेट होता है। जैसे आप खाना खाओगे या तो पानी पियोगे पूरा ग्लास तो आपको वेट लगेगा, मगर एक पानी के ग्लास के अंदर अगर 10 लाख जीव है और 10 लाख आत्मा है उनका वेट नहीं लगेगा, मगर पानी का लगेगा। नहीं समझ में आया? नहीं, क्लियर नहीं हुआ। जैसे बालक पेट में जन्म लेता है, पेट के अंदर, और धीरे 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 इसका वजन आप महसूस करते हो। हाँ। तो ये एक बालक है, उनका वेट, उनका उनका बॉडी ग्रो होता है। हाँ। या एकेंद्रीय जीव का बॉडी ग्रो नहीं होता है। हाँ। अंदर हमको हेल्प करके मर जाता है। बराबर। और उनका बॉडी इतना सूक्ष्म होता है हम अपनी आंखों से उनको देख भी नहीं सकते। सही है। मतलब वो वेटलेस होता है। हजारों लाखों जब क्रिएचर्स इकट्ठे होते हैं तो पानी का एक ग्लास बनता है, वो पिएंगे तो वेट लगेगा, मगर एक जीव का वेट बॉडी का नहीं लगेगा आपको। हाँ। एक इंद्रिय, ये पंचेंद्रिय है, ये जो बच्चा होता है वो 5 इंद्रिय वाला होता है, उनका वेट होता है। हाँ। समझा। जय सच्चिदानंद। और कोई प्रश्न? नहीं स्वामी। और कोई प्रश्न करना है? नहीं स्वामी जी, सुख साथ में स्वामी जी। जी जी जी, सब कुछ ठीक है। जय सच्चिदानंद। अजय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। हाँ, मुझे ये जानना था कि जैसे हम हमारा मृत्यु होता है तो हम जैसे हमारा सोच होता है वैसे हमारा जन्म होता है क्या? तुरंत ही हो जाता है। तुरंत मतलब फिर किसी किसी का नहीं कैसे बोलते कि वो गोश्त होते भूत वो कैसे? ये स्टोरी है, ऐसा सच नहीं है मतलब वो स्टोरी है। स्टोरी? हाँ, अच्छा अच्छा। इंसान को भड़काने के लिए स्टोरी है। अच्छा अच्छा। और तो और एक जन हिंदुस्तान में लोग क्या कहते हैं मालूम है? आपने शायद सुना भी होगा कि जब श्राद्ध का महीना आता है तो लोग कौओं को खिलाते हैं। हाँ जी। तो मैंने कहा सबके माता सबके सब पिता पूर्वज सब कौए ही होते हैं। नहीं, बस यही ये कहानी चलती रहती है। तो अभी हम जो मेरे पापा कौआ है, दादा कौआ है, सोचते ही नहीं, बस कौओं को खिलाओ, तो ये मेरे पूर्वज है। ये भ्रांति से दुनिया चलती है। क्या है, किसी को सच्चाई जानने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मैकेनिकल लाइफ जीते रहो बस। सही है। सोच भी नहीं है, सोचते भी नहीं है, और यही डर के वजह से लोग इधर उधर भटक जाते। पूजा पाठ जप ध्यान, कोई बोलता है मेरे शरीर में ये माता जी आई, ये देवता है, फिर वो बताते कि हमको भी लगता है हाँ उधर कुछ उन्हें किसी ने ये किया मतलब आत्महत्या की, तो उधर कुछ उसका भूत बन गया वो, जैसे नहीं कि खुदकशी करते, तो सबके भ्रांति ही ज्यादा है ना। भ्रांति की वजह से हम डरते है, डर के वो सब क्रिया करने शुरू कर देते है। सही है ना? ये समाज में जो धर्म है और सामाजिक नीति नियम है
वो ज्यादातर डर के माहौल बनाने के लिए बनाया गया है ताकि इंसान पाप नहीं करे। मगर इसके माध्यम से हम सनातन सत्य कभी नहीं जान सकते, नहीं जान सकते हैं। तो इनका इंटेंशन अच्छा है कि इंसान पाप नहीं करे, इसलिए डर का माहौल बना के रखो। अगर ऐसा करोगे तो भगवान ऐसा करेंगे, ऐसा करोगे तो भगवान ऐसा करेंगे, ऐसे करके समाज में धर्मगुरुओं ने और सामाजिक लोगों ने डर का माहौल बनाया है ताकि लोग पाप नहीं करें या तो पाप से डरे। मगर ये सनातन सत्य नहीं है। जितना मानसिक कमजोर इतना भय ज्यादा। समझ में आया? हाँ। और ये अध्यात्म विज्ञान के अंदर तो कुदरत ने कोई भी जीव को श्वास लेने की भी स्वतंत्रता नहीं दी है। सही है। फिर डरने की क्या जरूरत है? नहीं, पर अभी आपका जो सिद्धांत के हिसाब से तो मेरे में तो बहुत, मतलब अंदर अभी भय भी नहीं, भीग भी नहीं, डर भी नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब एक अलग एक खेल रहता है ना, जैसे पहले मुझे जुदापन क्या होता है कई जनों को पूछा, पर सब बोलते थे साक्षी भाव करो, देखने वाला बनो, पर समझ में नहीं आता था। पर आपका जो सिद्धांत है ना, मन वचन काया ए कुदरत का है, कुदरत भुगतने वाली है, वो सब वो अभी इतना अंदर भाव गया है कि अभी कुछ यही नहीं लगता, एकदम शांति अंदर आती है, कुछ टेंशन नहीं आता है। और जो भी संजोग आता है वो मालूम पड़ता है, हाँ मतलब ए मेरा फाइल है, उसे मुझे समभाव से पार करना है, ऐसा। मतलब अभी इतना डर नहीं लगता है, पहले बहुत टेंशन आता था कि मोक्ष के लिए क्या करना है क्या नहीं, समझ में नहीं आता था। आपने बहुत ये सिद्धांत के हिसाब से बहुत करके कर दिया है करके, आपके तो बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब ऐसे हर जन्म में मुझे मिले यही लगता है, और कुछ नहीं। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। यस, और नेक्स्ट। केशव अनम्यूट। यस, केशव हम बोल रहे थे कि वो जो सामायिक जो है, सामायिक जो जो देखने से वो दोष जाता है, वो सामायिक करने से का दोष जाता है। तो आपको मतलब सामायिक सामायिक करने से दोष जाता है, मतलब समझा नहीं? मतलब वो जो जो कर्मों से जो दोष होता है, और सामायिक जो ज्ञान दर्शन से आपने बताया था कि जो परीक्षा हम दे रहे हैं तो हम उसको सुधार सकते हैं। वो प्रायश्चित से परीक्षा दे रहा है, वो प्रायश्चित से जाता है, प्रायश्चित मतलब सामायिक में दिखता है। अच्छा। और प्रायश्चित करने से या तो कर्म हल्का हो जाता है या तो खत्म हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ज्ञाता दृष्टा जो हम समय में यदि देखे, उस समय चीज से जो जो दोष हुआ, कोई भी दोष हुआ या से ज्ञाता दृष्टा बनकर देखेंगे तो दोष जाएगा? ज्ञाता दृष्टा अगर ज्ञान और दर्शन शुद्ध होगा तो वो कर्मों के निर्जरा हो जाएगी, नया कर्म नहीं बनेगा। अच्छा, ज्ञान दर्शन शुद्ध होना चाहिए। अच्छा, मतलब जुदापन जागृति, वही तो जुदापन है ना। हाँ, वही जुदापन है ना। जुदापन की जागृति से ही संसार के लिए लायक और सहायक कर्म नहीं बनते। और निरंतर जागृति रखने के लिए यही प्रोसेस है, प्रैक्टिस। अच्छा, बराबर बराबर है। हाँ हाँ, और कोई प्रश्न है? नहीं, अभी नहीं है। ओके ओके, जय सच्चिदानंद।
यस नेक्स्ट सच्चिदानंद स्वामी जी आप बोले कि जो बिलीफ रहती है तो रिलेटिव को डाउन करना है और रियल को अप करना है सभी अवस्था में रिलेटिव को जीरो करना है और रियल को हीरो करना है हीरो करना तो अभी समझो दिन भर में अपन बहुत सारे फाइल्स रहते हैं तो इसको कैसा अप्लाई करें कि यह अवस्था के में रह सके हम ऐसा समझो वाइफ है या बच्ची है तो इसको कैसे डाउन करें फॉर एग्जांपल एक जैसे आज कौन सी डेट है आज 5 तारीख 5 Okay. अभी 4th फरवरी 2021 वो खत्म हो गया हो गया अच्छा इनका हिसाब सब खत्म हो गया सबके साथ हो गया वो दूसरी बार लाइफ में आएगा नहीं आएगा बस तो उस दिन के लिए मर गए उससे पहले भी के दिन के लिए मर गए अच्छा ऐसे आज के दिन भी कल आएगा तो आज के दिन के लिए मर जाएंगे तो वैसे भी तो जीरो है दोबारा आएगा नहीं आएगा ये 4 तारीख दोबारा आएगी नहीं आएंगे 4 तारीख के संयोग दोबारा आएंगे लाइफ में नहीं आएंगे तो फिर जीरो ही तो है अच्छा तो और जब पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी पूरी जब लाइफ खत्म हो जाएगी तो ये परिवार संपत्ति सत्ता संबंध सब कुछ छोड़ के जाना है शरीर भी छोड़ के जाना है तो आपका है क्या बताइए बस आत्मा ही है बाकी तो बाकी की वैल्यू तो जीरो हो गई ना रिलेटिव सत्य की जीरो हो गई ना हाँ तभी तो आत्मा की वैल्यू रहेगी जीरो देखने का मतलब होता है ये सभी अवस्था अपने स्वभाव से ही खत्म हो रही है और हम इनको कुदरती रचना के रूप में देखते हैं और हम खुद कुदरती रचना से मुक्त चेतन अविनाशी और अनंत शक्ति वाला शुद्ध आत्मा बस बाकी तो सब जीरो है जीरो है आता है चला जाता है आता है चला जाता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है आत्मा का ना जन्म है ना जीवन है ना मृत्यु है आत्मा की शक्ति भी कभी कम नहीं होती है कभी ज्यादा नहीं होती है वही शाश्वत शक्ति वाला है आप समझे कि नहीं समझे हाँ समझे जब ये हमारे खुद के मन वचन का आया कि वैल्यू ही जीरो करनी है तो और संबंधों की वैल्यू कैसे हो सकती है बताइए मेरे को नहीं हो सकती है तो ये हमारी पूरी लाइफ हमारे आयुष्य कर्म के आधार से श्वास के ऊपर टिकी है करेक्ट हाँ करेक्ट अगर श्वास बंद हो गया तो बस आयुष्य का खत्म हो गया आयुष्य नहीं आयुष्य कर्म खत्म हो गया क्या सब कुछ खत्म हो गया यही तो जीरो वैल्यू है सब कुछ खत्म हो गया हम जो चीजों की संबंधों की सत्ता की संपत्ति की साधन की या शरीर की वैल्यू करते क्योंकि श्वास चालू है तो आत्मा को ऐसा नहीं है या शरीर को जला दिया जाएगा बाद में भी तो आत्मा रहेगा आत्मा रहेगा तो आत्मा को तो वैल्यू किसकी होगी आत्मा की होगी बस आत्मा श्वास भी तो लेता नहीं कोई जरूरत ही नहीं उसको कोई आधार ही नहीं जो सत्ता संपत्ति संबंध और साधन श्वास के ऊपर टके हैं ठीक है बराबर है बराबर और आत्मा श्वास के ऊपर टिका नहीं है वो तो शाश्वत है तो वैल्यू किसकी करना है आत्मा की करनी पड़ेगी वही तो हम क्या कहते कि आप संसार का त्याग कर लो हम दृष्टि में उसकी वैल्यू जीरो करो यही कहते हैं त्याग करने का नहीं बता रहे हैं नहीं बता कुदरत आपको हर समय सब कुछ त्याग करवा ही रही है कंपलसरी अच्छा
आप मानो या ना मानो, हर समय आपका आयुष्य खत्म हो ही रहा है, यस और नो? यस यस। बस बहुत बड़ी बात है, आयुष्य कर्म ही खत्म हो रहा है तो बाकी सब चीजें बचेगी नहीं, बाकी कुछ बचेंगी नहीं वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो जो खत्म हो रहा है वो कुदरती रचना है, और खत्म हो नहीं रहा है वो हम खुद हैं। तो कुदरत क्या कहती है, तुमने विनाशी अवस्थाओं की वैल्यू बना दिया, तो हे मनुष्य यही तुम्हारी मूर्खता है। जब तुम कुदरत का कानून क्यों नहीं समझते हैं? कुदरत ने तो साफ बोल दिया है कि दुनिया में जो व्यक्ति पैदा होगी वो कुछ भी लेकर नहीं आएगी, और जो मर जाएंगी वो कुछ भी लेकर जाएंगी नहीं। और बाकी जो प्रश्न है 50, 60, 70, 80 साल का, वो आपके कर्मों का फल है। तो उसमें कोई आगे ले जाने की तो बात है ही नहीं, बात तो फिर इसकी वैल्यू क्यों करते हो? समझ में आया? हाँ आया आया, समझ आया। ये हाँ स्वामी जी, जैसा आपने बताया ये सब बिलीफ के कारण ही सब राग द्वेष होते हैं, और आप उन तन्मयकार भी हो जाते हैं वो अवस्था में। जैसा मैं शरीर हूँ, ये एक बड़ा सबसे बड़ा बिलीफ है, आप समझाते हैं बार बार, तो वो छूटता नहीं है स्वामी जी, बस तो वो बार बार, तो उसमें कैसा सेपरेशन करना चाहिए, थोड़ा सा उसकी समझ होना चाहिए। मकान तुम्हारे नाम पर है? हो स्वामी जी है। तो आप किसी को कहेंगे कि ये मकान किसका है तो आप क्या कहोगे? मेरा मकान है। मगर आप कहोगे कि मैं मकान हूं, ऐसा बोलेंगे? नहीं। फिर कार तुम्हारी है कि नहीं? हाँ कार मेरी है। हाँ तो आप कहोगे ये कार मेरी है मगर मैं कार हूं, ऐसा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। फिर वाइफ को ही बोलेंगे मेरी वाइफ है ऐसा बोलोगे, मगर मैं वाइफ हूं ऐसा बोलोगे? नहीं। तो यहाँ क्यों गलती करते हो? शरीर भी मेरा है और मैं शरीर हूँ, ये गलती क्यों करते हो? यहाँ गलती क्यों करते हो? वो गलती होती है। शरीर मेरा है वो बोलो ना, मगर मैं शरीर नहीं हूँ। अच्छा अच्छा। मकान मेरा है मगर मैं मकान नहीं हूँ। वाइफ मेरी है मगर मैं वाइफ नहीं हूँ। कार मेरी है मगर मैं कार नहीं हूँ। तो यहाँ क्यों गलती करते हो? शरीर मेरा है मगर मैं शरीर नहीं हूँ। मैं तो शुद्धात्मा हूँ। मैं शुद्धात्मा हूँ। बराबर है कि नहीं? हाँ बराबर है, बराबर है। अभी क्लियर हो गया? हाँ हो गया। वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये विज्ञान धीरे धीरे समझना, ये तो सनातन सत्य है, आप मानो या न मानो, ये सनातन सत्य है। आज नहीं तो कल आगे बढ़ने के लिए आपको जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, अनुभव करना ही पड़ेगा अगर मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो। चिंता मुक्त दशा प्राप्त करना है तो, आदि व्याधि उपाधि की समाधि की अनुभूति करना है तो, ये विज्ञान समझना ही पड़ेगा। और कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है दुनिया में, नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। हाँ स्वामी जय आशीर्वाद। क्रिश वडेरिया। हाँ हेलो स्वामी जी, अपना चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय सच्चिदानंद। बोलो स्वामी, स्वर्ग ना अपने दूत, हिंदी में बोलता हूँ सर, देवी देवता जो अपन बोलते हैं ना, उसके वहां तो डिस्चार्ज कर्मी है, तो उनका आयुष्य खलास होने के बाद वो कौन सी गति में जाएंगे? क्योंकि खाली डिस्चार्ज कर्मी है तो वो डिस्चार्ज के साथ कुछ नक्की पड़ा होता है कि ये योनि में जाएंगे, मनुष्य की या त्रियंश में? उत्तर दूं? हाँ। ओके। कोई भी जीव मनुष्य भव में आता है, जन्म लेता है, उसके बाद मनुष्य भव का तो कर्म चार्ज करता ही है, मगर मनुष्य के अलावा जो कर्मचार्य होते हैं इसकी भुगतान पहले करने पड़ती है,
लास्ट बर्थ में फिर मनुष्य में आएगा, वही कर्म से। दूसरा सिद्धांत, मनुष्य भाव में मनुष्य मिनिमम एक बर्थ का कर्म चार्ज कर सकता है, या तो मनुष्य भाव में मनुष्य ज्यादा से ज्यादा 8 भाव के कर्म एक भाव में चार्ज कर सकता है। बराबर। इसमें मनुष्य भाव तो एक ही होगा, एक भाव है या 8 भाव है, मगर मनुष्य का भाव तो इसमें एक ही होगा, बाकी सब भाव खत्म करके लास्ट में आएगा मनुष्य में। समझ में आया? मेरा क्वेश्चन ये है कि देवगति के जो देवी देवता है सुनाई देता है ना? बिल्कुल क्लियर। देवी देवता जो है उनका आयुष्य समझो 5 लाख का है, वो और डिस्चार्ज है ना उन लोग का, तो वो कौन से योनि में जाएंगे, वो कैसे, क्योंकि चार्ज तो करने तो वो उसके साथ नक्की होता है कि उनका खलास हो गया आयुष्य तो ये पर्टिकुलर योनि में जाएंगे। नहीं, मैंने नहीं कहा आपको मनुष्य भाव में ज्यादा से ज्यादा 8 नए जन्म का कर्म ले सकता है, बना सकता है। हाँ, अलग अलग जगह पे 8 बार जन्म ले सकता है एक ही बर्थ का रिजल्ट के रूप में। ओके ओके ओके। और लास्ट बर्थ रहेगा उसका मनुष्य भाव का, वो भी यहाँ चार्ज किया है। समझ गया। थैंक यू जय सच्चिदानंद। थैंक यू, जय सच्चिदानंद। ये दादाजी ने एक बात बोली कि एडजस्ट एवरीवेयर, तो एडजस्ट एवरीवेयर का सही मतलब क्या है? और एक जो ये प्रश्न मैं किसलिए कर रहा हूँ कि भी जो है, या बोलते हैं कि भी कुदरती रचना के रूप में देखो दृष्टि के अंदर, वो बात हमने रखी, ठीक है। ओके। तो वो मोक्ष मार्ग के लिए है, ठीक है, लेकिन जो डे टू डे हमारी लाइफ है इसके अंदर हमारे जो इंट्रैक्शन होते हैं तो उसके अंदर भी जो है एक समन्वय रहे, और जो हमारी इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, चाहे वो डिस्चार्ज रूप में है, उनको कहाँ तक हमें आगे कैसे परसू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो वो सब है कुदरती रचना, लेकिन उसके ऊपर हमको, या तो हम बोले कि जो हमारी इच्छा है वो डिस्चार्ज रूप में है, उसको इच्छाओं को पूरा होने देना चाहिए, हो रही है कि नहीं हो रही है वो कुदरती रचना के हिसाब से होगा, लेकिन वो सबको प्रकृति को फ्रीली फ्लो करने देना चाहिए, और मैं शुद्धात्मा हूँ उसको ऐसे देखना चाहिए। तो और वो हमारी इच्छाएं जब दूसरों की इच्छाएं के साथ कई दफा मैच नहीं करती हैं, तो उसमें वो एडजस्टमेंट वाला पार्ट जो है कैसे आता है, उसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। व्हाट यू अंडरस्टैंड, कैन यू एक्सप्लेन इन वन और टू सेंटेंस एडजस्ट एवरीवेयर, आप क्या समझे वन और टू सेंटेंस? एडजस्ट एवरीवेयर का मेरी जो अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि भी जो है कि जब दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं तो उसकी जो भी इच्छा डिजायर्स हैं उसके हिसाब से हम एडजस्ट हो जाएं, और तो मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है। कई दफा ऐसा हो पाता है, कई दफा नहीं हो पाता ऐसा। वही तो मैं कहता हूँ कि हम तो कहेंगे कि हमको एडजस्ट होना है, अच्छी बात है, बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट इट इज गुड, नो क्वेश्चन एट ऑल, बट Can you control our mind, speech and action in any circumstances? Is it possible? Not in all circumstances. That's it. आज के दिन नहीं है. आगे ये relative सत्य है. ये sentence is already a relative सत्य है. व्यवहार सत्य है. ये कोई सनातन सत्य नहीं है. अतरा मंत्रालो. ये सनातन सत्य है. ये व्यवहार सत्य है. व्यवहार में आपको उपयोग करना है तो कर सकते हैं. विज्ञान को छोड़ के. It is helpful for you, and they give the credit and debit, but not they destroy your ignorance. Of course, it is helpful in a relative truth in a social life. मगर अध्यात्म का अध्यात्म विज्ञान वो अज्ञान की नाश करने वाला है, वो सब्जेक्ट यहाँ नहीं रहेगा। लेकिन जो बोलते हैं कि जो adjust everywhere, ये adjustment अंदर का है, बाहर का नहीं है, तो उसका क्या मतलब है? Adjustment अंदर का है। भाई अंदर का एडजस्टमेंट तो ज्ञान दर्शन है, और क्या एडजस्टमेंट हो सकता है?
कंप्लेन एंड क्वेश्चन इज आउटसाइड नॉट इनसाइड। जो कुछ कंप्लेन क्वेश्चन है वो बाहर की अवस्था की है, अंदर तो कोई अवस्था है नहीं। अंदर तो या तो ज्ञान दर्शन मिथ्या है या सम्यक है, दोनों में से एक ही है। क्योंकि एडजस्ट एवरीवेयर के अंदर एक बात ऐसी भी आती है कि भी जो है जो रियल एडजस्टमेंट है वो अंदर ही है, बाहर का एडजस्टमेंट वो रियल नहीं, अंदर का रियल एडजस्टमेंट है। तो वो अगर हो गया तो बाहर का एडजस्टमेंट वही तो मैं बात करता हूं। जब आपने शुद्धात्मा पद में रहकर कोई भी अवस्था को जब आपने कुदरती रचना देख लिया और कौन सा एडजस्टमेंट की आपको बाहर जरूरत है बताइए। कुदरती रचना रूप के रूप में देखा ठीक है, मेरी कुदरती रचना है सामने वाले की, और मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ और मन वचन का है कि कोई भी अवस्था को जब आपने कुदरती रचना देख लिया और अपने शुद्धात्मा पद में रहे तो और कौन से एडजस्टमेंट की अंदर या तो बाहर जरूरत है। नहीं, प्रॉब्लम कई दफा यही होती है कि ठीक है कुदरती रचना तो देखा, लेकिन उसके बाद जब एक इंटरेक्शन शुरू हुआ तो इस इंटरेक्शन के अंदर एक तो हमको डिसीजन लेने होते हैं कि भी कभी ये करना है कि वो करना है, क्या करना उचित है नहीं उचित है। फिर जो है जब सामने वाले के साथ वो हमारी इच्छाएं मैच नहीं होती हैं तो फिर उसके अंदर एडजस्टमेंट कुदरती रचना देखा ठीक है, उसकी भी कुदरती रचना है, उसकी इच्छाएं हैं जो भी हो रही है, हमारे अंदर इच्छाएं खड़ी हो रही है तो क्लैश हो रहा है, तो उसको कैसे उसका समन्वय बिठाना है, तो वो पार्ट तो फिर भी रह जाता है। जो हमारा जो व्यवहार का जीवन है उसके अंदर कुदरती रचना देखने के बाद एक पार्ट फिर भी रह जाता है जिसका कि वो ठीक से हम एटलीस्ट अभी या तो उसको कुदरती रचना ठीक से देख नहीं पा रहे हैं उसको, या कुछ और चीज है जो हम वो व्यवहार के जीवन में वो मैच नहीं बैठती है। हाँ बराबर है, जैसे राम ने रावण के साथ युद्ध किया अपनी धर्म पत्नी को छुड़ाने के लिए, तो इसको आप एडजस्ट एवरीवेयर कहोगे या एडजस्ट नहीं हुए वो कहोगे। अपनी पत्नी के लिए हजारों लाखों लोगों को मार दिया युद्ध करके, तो आप इसको एडजस्टमेंट कहोगे या कुदरती रचना कहोगे? योर टू ऑप्शन, टेक एनीवन। मुझे मालूम नहीं, आई डोंट नो। अभी आप कैसे बोल रहे नहीं, दिस इज एग्जांपल, ओके? नहीं कुदरती रचना जिससे नहीं, मैं इसको ऐसे बोलता हूं कि सपोजिंग अब मैं उस सिचुएशन में होता और मेरे पास ऐसा है कि भाई मान लीजिए सीता जी को उठा के ले गया है, तो अब उसके बाद मेरे मन में ऐसा खड़ा होगा कि भाई मैं उसको सीता जी को छुड़ाने के लिए हजारों लोगों की हत्या करूं कि नहीं करूं, तो उसमें मेरा क्या मेरा डिसीजन होगा? ये कुदरती रचना तो मैं देखा, कुदरती रचना बनी, उठा के ले गया और मेरे मन में ऐसा प्रश्न खड़ा हो रहा है ये भी कुदरती रचना है और वो सीता जी है वो है, तो लेकिन इसमें अब मेरा डिसीजन पॉइंट कैसे आएगा कि कुदरती रचना सब देख लिया मैंने लेकिन बियॉन्ड दैट अब मैं क्या करूं? और इसीलिए मैंने कहा डिसीजन भी कुदरती कानून के मुताबिक ही लेना पड़ेगा, यू हैव नो एनी ऑप्शन एट ऑल, यू हैव टू फॉलो एंड ओबे द लॉ ऑफ नेचर। तो इसमें लॉ ऑफ नेचर, इसमें लॉ ऑफ नेचर क्या है? जो करवाता है वही लॉ ऑफ नेचर है। नहीं, करवाता है तो मुझे करवाने के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी जो इस पॉइंट पर वही तो मैं कहता हूँ कि करने के बाद पता चलता है, आई एग्री, बट उससे पहले क्या हमारे कंट्रोल में ऐसा मानने की जरूरत है? नहीं तो फिर सबको आप कहेंगे आप गलत है यही कहूंगे। नहीं, सबको मैं नहीं कह रहा, लेकिन मेरे पास मैं क्या कहता हूँ, सबको का मतलब होता है जो जो लोग गलती करते हैं आप इसको कहूंगा वो सही नहीं है क्योंकि आपने पहले सोचा नहीं है, यही तो आपका उत्तर रहेगा ना। नहीं, मैं इस सिचुएशन में अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे पास अगर सिचुएशन है, मैं आपकी और मेरी बात का सवाल नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल साइंस एंड ऑन अ बेस ऑफ लॉ ऑफ नेचर एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल लिविंग बीइंग क्रिएचर, इट इज नॉट मैटर ऑफ पर्सन टू पर्सन। राइट, जब हम कुदरती कानून की बात करेंगे तो सबके लिए एक ही रहेगा, मेरे लिए तुम्हारे लिए अलग रहेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यू पॉइंट इज ओके, व्यू पॉइंट इज ऑलवेज इंडिविजुअल, मगर हम व्यू पॉइंट की बात नहीं करना चाहते क्योंकि वो तो है ही जो पहले भी था, यही तो कंफ्यूजन था। नोबडी हैव अ परमानेंट सॉल्यूशन, एक कहता है कि ऐसा करो, एक कहता है ऐसा करो, एक कहता है ऐसा करो,
यही तो कंफ्यूजन था, नो एनी परमानेंट सॉल्यूशन, यही तो तकलीफ थी, यही तो कमी थी हमारे में कि हम कोई भी अवस्था को परमानेंट सॉल्यूशन के फॉर्म में समझ ही नहीं पाते कि आखिर मैं क्या करूं और क्या ना करूं। और इसीलिए दादा भगवान ने भी यही सॉल्यूशन दिया कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, ऑल सर्कमस्टेंसेस आर क्रिएटेड बाय द लॉ ऑफ नेचर, यू हैव टू सी ओनली, दैट्स इट, नॉट टू डू और नॉट टू डू, यू हैव नो एनी इंडिपेंडेंट पावर गिवन बाय द नेचर। तो ये जो आप कह रहे हैं कि भी जो है उस सिचुएशन के अंदर अगर मैं रावण का वध करूं और हजारों लोगों का वध करूं, मुझसे वो हो गया, जो भी डिसीजन मैंने लिया उसके हिसाब से वो हो गया तो वो भी ठीक है, और अगर मैं मेरा डिसीजन ऐसा आए कि भी नहीं मैं सबको मुझे वध नहीं करना है और जो हो गया वो छोड़ दूं तो वो भी ठीक है, तो इस तरह से लेकिन उस मोमेंट के अंदर जब मेरे को वो डिसीजन आता है कि भाई क्या करूं मैं, तो वो फिर किस लिए खड़ा होता है और उसका रेजोल्यूशन कैसे हो, दुविधा का रेजोल्यूशन कैसे हो कि भी जो है I agree your point of your question. See, your question is at the time of the puzzle is coming or create. Right. They create the situation. Right. उस समय क्या करना है? उसी समय हमको देखना है what the nature will decide. We have to follow. We have no any independent power to control our mind, speech and action. इसी समय सोचना है और इसी समय यही विज्ञान को एट दैट मोमेंट अप्लाई करना है और हमको टेंशन मुक्त होना है, क्योंकि हम कंट्रोलर है ही नहीं, क्यों टेंशन लेते हो? नहीं, वो तो एक बात हो गई करने की, लेकिन अब वो उस मोमेंट के अंदर मेरे पास वो सत्ता नहीं है ऐसा 100% इसीलिए मानने में नहीं आता है कि भी जो है उस पॉइंट पर मेरी वो सत्ता है कि भी मैं डिसीजन ऐसे भी ले सकता हूँ और वैसे भी ले सकता हूँ। उस दिन भी मैंने बात की थी कि मैं राइट हैंड रेज करूं कि नहीं करूं। ये दादा भगवान का सेंटेंस है कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रखना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? लेकिन दादा भगवान ने ये भी बताया कि व्यवस्थित जो है होने के बाद बोलने का है, पहले नहीं। आप बोलो या ना बोलो, व्यवस्थित है कि नहीं, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। नहीं, व्यवस्थित है, लेकिन आप नहीं बोलो, बाद में भी नहीं बोलो तो भी व्यवस्थित है, पहले भी नहीं बोलो तो व्यवस्थित है। प्रश्न कब बोले कब ना बोले, वो व्यवस्थित पहले क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि उसमें से रिलेटिव सत्य का भंग होता है, क्योंकि हमको नहीं मालूम। और इसीलिए सभी लोगों को व्यवहार में ये कहा जाता है, यू विल ट्राई योर लेवल बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। विनोद भाई, तो वही उस पॉइंट का जो है ना वो क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैंने उस दिन भी आपको एक प्रश्न किया था कि भी जो है उस मोमेंट के अंदर मेरी ये हाथ रेज करने की सत्ता है वो तो दिखती है मुझे, और वो डिसीजन पे जो मैं डिसीजन लेता हूँ उसका और लोगों पर इम्पैक्ट पड़ता है, तो उस पॉइंट उसमें वो डिसीजन कैसे आए? सही डिसीजन सही तो ठीक है, नहीं है बाद में जो कुछ बना वो ठीक है, वो तो बात ठीक है, दैट्स ओके, लेकिन उस पॉइंट के ऊपर हमारा वो डिलेमा कंफ्यूजन रह जाता है। और यही दर्शन का मतलब होता है कुदरती कानून, और यही कुदरती कानून की जो कमी हमारे जो विजन में रहेगी वहां तक अज्ञान काम करेगा इज इक्वल टू रिलेटिव सत्य, और इसका पनिशमेंट भी हमको कुदरत देंगे। व्हेन यू फॉलो द रिलेटिव ट्रूथ द नेचर विल गिव द रिजल्ट इन दिस बर्थ एंड नेक्स्ट बर्थ टू। In this birth, it is coming automatically. But in next birth, they give the result as per your today effort as a, I am an independent person. Kudrat aapko result degi, next birth mein bhi dengi. Because of your ignorance. Right. Aur agar aapne kudrat ratna dekha, to unke paas next birth mein result dene ke liye koi source hi nahi hai. लेकिन कुदरती रचना देखा मैंने, लेकिन फिर मेरा जो प्रश्न खड़ा रहा कि भी जो मैं क्या करूं इस सिचुएशन में, क्या करूं, तो उस सिचुएशन से निकलने के लिए उपाय क्या, सही उपाय है या क्या? वही तो मैंने कहा ना, कोई भी सिचुएशन है मन वचन काया की
अगर इसका हम कंट्रोलर नहीं है, जब कुदरत कंट्रोलर है, हमको इस अवस्था को देखना है कि देखो आगे आगे क्या हो रहा है, हमको कुदरत क्या क्या उपाय करवा रही है वो भी तो देखो। जब मेरे को स्टॉक मार्केट में लॉस होने वाला होगा तो कुदरत मेरे को यही स्टॉक परचेस करने के लिए बोलेंगी, और जब प्रॉफिट होने वाला है तो वही बोलेगी बताएगी मेरे को, दिस इज नॉट माय चॉइस। अगर ऐसा होता तो किसी को नुकसान भी नहीं होता। इट इज कंपल्सरी। तो मैंने कहा ना, फ्रॉम बर्थ टू डेथ इंक्लूडिंग योर माइंड स्पीच एंड एक्शन इज प्री डिसाइडेड आइदर लॉर्ड रामा कृष्णा और महावीरा, टोटली कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ इट। ये कुदरत का कानून है, कुदरत का कंट्रोल है, हमारा है ही नहीं, मगर हमारा है ऐसा हम मानते हैं, वो ही तो अज्ञान इनटू इन्वर्टेड कॉमा रिलेटिव सत्य है, यही तो अज्ञान है। और दुनिया के हर लोग मानते हैं कि मैं कुछ कर सकता हूं, ये कोई नई बात तो है नहीं, हर लोग मानते हैं कि मैं सोच सकता हूं, बोल सकता हूं, कर सकता हूं, सब लोग मानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। नई बात यह है कि मन वचन काया तीनों का कंट्रोल कुदरत है, और वो कुदरत कुदरत को स्वीकार करना, तीनों की अवस्था, हर अवस्था को तीनों कुदरती रचना के रूप में देखना, यही तो हमारा पुरुषार्थ है। फिर कुदरत क्या पनिशमेंट करेंगी? जेन वी एक्सेप्ट द सर्कमस्टेंसेस एज अ लॉ ऑफ नेचर, तो फिर कुदरत कौन सा पनिशमेंट करेंगी इन अ नेक्स्ट बर्थ, बताइए मेरे को। और यही तो मुक्ति का मार्ग है। नहीं, नेक्स्ट बर्थ के हिसाब से मैं नहीं कह रहा हूँ, नेक्स्ट बर्थ तो ठीक है वो तो, लेकिन उसके साथ में ये बर्थ जो है इसके अंदर भी हमारी एक सोशल ऑब्लिगेशंस हैं, फैमिली ऑब्लिगेशंस हैं, उसको भी प्रॉपरली हमको एग्जीक्यूट करना है, ऐसा मुझे लगता है। तो खाली नेक्स्ट आपको जो लगता है, आपको जो लगता है वो आपकी जो रिलेटिव सत्य वाली जो बुद्धि है, वो बुद्धि अभी आपके इस विचारों के ऊपर हावी हो गई है और सनातन सत्य को वो हाइड करती है जानबूझ के, बिकॉज द पावर ऑफ योर रिलेटिव ट्रूथ बुद्धि, वो हाइड हो जाता है। आप इसको भी जानते हैं कुदरती रचना को, और बुद्धि को भी जानते हैं कि नहीं हम कुछ कर सकते हैं, और अभी बुद्धि इतनी पावरफुल है कि वो सनातन सत्य जो कुदरती कानून है या कुदरती रचना है वो अपने आप हाइड हो जाता है बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ योर इंटेलेक्चुअल। वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा when you can go through the practical, एक दिन आपको खुद लगेगा, आपकी बुद्धि को भी लगेगा, पुरुषार्थ वाली बुद्धि को, नहीं मैं जो अभी तक मानता हूं कि कोई भी संजोग में कुछ भी मैं कर सकता हूं, सोच सकता हूं, बोल सकता हूं, ये मेरे हाथ में नहीं है, ऐसा बहुत बार अनुभव आने के बाद मार मार खा के फिर इंसान समझता है कि नहीं, this is not in our hand। ऐसे तो एक्सेप्ट कैसे करेगा? जब अवस्था आएगी, जब इसका कोई चलेगा नहीं, ये तो कुदरती रचना है, मैं क्या करूं? मगर कोई भी अवस्था कुदरती रचना के बिना हो ही नहीं सकती है, बिकॉज दे क्रिएट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ सफरिंग। वी आर द सफरर, वी आर नॉट क्रिएटर ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, वी आर सफरर। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? नेचर विल क्रिएट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ सफरिंग एज पर योर प्रीवियस बर्थ कॉज। सो जब आपको कर्मों की भुगतान के लिए कुदरत ने संजोग बनाया है, हाउ यू कैन चेंज इट? कैन यू टेल मी प्लीज? नहीं, जैसा बता रहे हैं कि मुझे थोड़ा रिलेटिव में भी लगता है कि जो रिलेटिव में कुछ हमारा रोल है ऐसा, मगर रिलेटिव ही तो कुदरती रचना है। राइट, रिलेटिव ही तो कुदरती रचना है, रियल में तो कुदरती रचना है ही नहीं, रियल में तो शुद्धात्मा हो। नहीं, वो तो ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो रिलेटिव में ही कुदरती रचना का शब्द प्रयोग करना है, रियल में तो करना ही नहीं है। हम जो मन वचन काया की अवस्था को कुदरत रचना बोलते हैं, वो रिलेटिव में तो है जी, रियल में तो कुदरत रचना बोलने की जरूरत ही नहीं है।
रिलेटिव, इसीलिए ज्ञानी पुरुष ने भी कहा मन वचन काया पर और पराधीन है, और मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरत रचना है, जिसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है और वही व्यवस्थित है, वही उन्होंने बताया है। तो ये जो से फॉर एग्जाम्पल रामचंद्र जी के जीवन में जैसे ये दो तीन अवस्था आई, एक तो सीता जी ने बोला कि भी ये सोने का हिरण है भी मुझे चाहिए, और रामचंद्र जी गए लेने के लिए गए। दूसरा कि भी जो उनको वनवास हुआ, तो वनवास के लिए दशरथ ने बोला कि भी जो है, या उनको पता चला कि भी ऐसे वनवास जाना है, तो उनके मन में दोनों सिचुएशन में कोई ऐसी दुविधा खड़ी नहीं हुई कि भी जो है क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वो डिसीजन कैसे आया उनका, वो डिसीजन कैसे आया? दुविधा इसको खड़ी होती है जो रिलेटिव सत्य के अंदर एंटर होते हैं, जो रिलेटिव सत्य को ही कुदरती रचना मानते हैं उनके लिए दुविधा क्वेश्चन ही नहीं है। दे एक्सेप्ट द सर्कमस्टेंसेस एज पर द लॉ ऑफ नेचर, नॉट एज पर माय कंट्रोल। तो एक तो फॉर एग्जांपल जो सीता जी के साथ जो हुआ, तो रामचंद्र जी को तो पता होगा कि भाई सोने का हिरण होता नहीं है, तो उन्होंने उनको ठीक है कुदरती रचना है, लेकिन एज ए प्रैक्टिकल मैटर सीता जी को समझाने की कोशिश की होगी कि भाई जो है नहीं सोने का हिरण नहीं होता है, और एक दो बार वो फिर भी उनको नहीं समझ में आने से तब उन्होंने कहा चलो ठीक है तो करना ही पड़ेगा अभी, तो सोने का हिरण नहीं होता है, सोने का हिरण नहीं होता वो ज्ञान होगा इसके पास, मगर रावण उठाएगा उठा के ले जाएगा वो ज्ञान नहीं होगा उसके पास। नहीं फिर से बोलिए। सोने का हरण नहीं होता है वो ज्ञान उसके पास होगा राम के पास, मगर उसके हिसाब से सुता फिर उठा के ले जाएगा रावण, वो ज्ञान नहीं होगा। नहीं सीता को उठा के ले गया है वो तो ज्ञान होगा। तो वो भी होगा तो फिर क्यों गए? नहीं लेकिन नहीं लेकिन पहले जब नहीं, वो तो पहले की बात थी ना कि जब जब सीता जी ने कहा कि भाई वो इसका सोने का हिरण है वो मुझे चाहिए, वो तो उठाने के पहले की बात है। मगर समय पर देखने वाला है वो तो सब कुछ देख सकता है, ज्ञानी के लिए अवस्था का सवाल नहीं होता है, सभी अवस्था वो देख सकते हैं। नहीं वो तो मैं भविष्य की बात नहीं कर रहा, मैं भविष्य की बात नहीं कर रहा कि भविष्य में उठाने वाला है, मैं पास की बात कर रहा हूँ। पास का भी उनको सब कुछ दिखता है क्योंकि पास ही डिसाइडेड, फ्यूचर इज नॉट डिसाइडेड। देखने का मतलब क्या होता है, उनके जीवन में क्या क्या होने वाला है, इनका कॉज भी क्या है, सब कुछ देख सकते हैं, उसको ज्ञान ही कहते हैं। मतलब अपने जीवन में भविष्य में, अपने जीवन में भविष्य में क्या होने वाला है वो उनको पता, ज्ञान रहता है उनको? जरूरत नहीं है, उनके पास कैपेसिटी है, दे डोंट रिक्वायर बिकॉज दे नो एवरीथिंग, इट इज टोटली कंट्रोल्ड एंड गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ नेचर। मैं क्यों अपने ज्ञान और दर्शन का उपयोग इसमें करूं जो फिक्स है? व्हाई? तो ठीक है, वो तो वो नहीं करेगा, तो वो भी नहीं करेगा, महावीर भी नहीं करेगा, कान में ख्याल लगाएंगे तो वो नहीं करेगा उपयोग, राइट? पहले भी नहीं करेगा, उस समय भी नहीं करेगा, बाद में भी नहीं करेगा, व्हाई? ठीक है, तो मतलब मेरा प्रश्न ये है कि जब सीता जी ने बोला कि भाई ये सोने का हिरण है मुझे चाहिए, तो उस समय उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की होगी कि नहीं होगी? अगर मतलब ज्ञान के हिसाब से बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा वो किस लिए, क्यों नहीं? मतलब कोई अगर ऐसी, मतलब मुझे पता है कि सोने का हिरण होता ही नहीं है, तो कोई मुझे बोलेगा कि जाओ सोने का हिरण लेके आओ, तो मैं तो मेरे मन में तो नेचुरली होगा कि मैं एक दो बार एटलीस्ट बताने की कोशिश करूंगा भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, और उसके बाद भी अगर कुछ होता है तो दैट्स, इसी को कहते हैं साइंटिफिक सर्कमटेंशियल एविडेंस। ओके, जो होने वाला है वो कमिंग इवेंट कास्ट देयर शैडोज बिफोर, जो होने वाला है यही तो सिम्टम्स है, दे हैव टू फॉलो, वो कोई चॉइस नहीं होती है, राम के पास भी नहीं है, सीता के पास भी नहीं है, नोबडी हैव अ चॉइस, किसी के पास नहीं है, कंपल्सरी। ज्ञान का मतलब क्या होता है, यू चेंज योर सर्कमटेंसेस, you change your suffering? No. If you know, still you cannot change. जानते हैं तो भी नहीं बदल सकते हैं। अगर मैं नहीं बदल सकता हूं, ऐसा मेरे पास ज्ञान है, तो मैं क्यों उसको देखूं? Just bypass. ये जो हम बदल सकते हैं, यही तो हमारी भ्रांति है।
नहीं, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि अगर मान लीजिए वो सीता जी को समझाने की कोशिश करते कि भी ऐसा नहीं होता है, तो बदल भी सकता था। मगर वो फ्रीडम नहीं होती है ना समझाने की, आप समझते ही नहीं। नहीं समझ रहा हूं मैं इस चीज को। उनके पास वो फ्रीडम नहीं है राम के पास कि मैं उसको समझाऊं या ना समझाऊं। They were no freedom. वो किस हिसाब से फ्रीडम नहीं है? क्योंकि ये होने वाला ही है। अगर कोई चीज का रिजल्ट कंपलसरी है, फिर हम कहेंगे हम सोच को क्यों नहीं बदल सकते? नहीं बदल सकते, बिकॉज इट इज कंपलसरी। जो चीज कंपलसरी होती है उसको हम कैसे बदल सकते हैं? नहीं, ये बात मेरी थोड़ी सी फिट नहीं हो रही है कि भी वो कंपलसरी, पहले से मैं बोल दूं कंपलसरी है, ये बात मेरी फिट नहीं हो रही है। मैं क्या कहता हूं, तुम बोलो या ना बोलो फिर भी कंपलसरी है, नहीं बोलो तो भी। मैंने पहले भी कहा व्यवस्थित बोलो बाद में पहले, मगर फिर भी कंपलसरी है। नहीं बोलो दोनों के समय नहीं बोलोगे तो भी। और वैसे भी दादा भगवान ने कहा है व्यवस्थित शक्ति बोलने के लिए नहीं है, सिर्फ यू कैन रियलाइज नॉट फॉर द स्पीक, ये बोलने के लिए है ही नहीं। इट इज यू कैन रियलाइज थ्रू योर विजन, ये दृष्टि से अनुभव करने की चीज है, ये बोलने की चीज है ही नहीं, नथिंग। तो मतलब आप बोल रहे हैं कि भी अगर वो समझाते या ना समझाते तो भी आउटकम वही होता। कंपलसरी का मतलब क्या हुआ? आपके जीवन की हर अवस्था इस दुनिया में पैदा हुए सभी मनुष्यों के लिए मन वचन का है कि सभी अवस्था कंपलसरी है, अनचेंजेबल है। इट इज नॉट मैटर आपके पास ज्ञान दर्शन क्या है, वो सब्जेक्ट नहीं है। मैंने पहले भी कहा मन वचन काया राम कृष्ण महावीर का, मेरा और तुम्हारा सबका कुदरती कानून और कुदरती कंट्रोल के मुताबिक चलता है, चलता रहेगा, अंत भी वही लाएगा। एंड इट इज फॉर एप्लीकेबल फॉर ऑल लिविंग बीइंग क्रिएचर। इसमें नॉट मेरा तुम्हारा वो सब्जेक्ट ही नहीं है, सब्जेक्ट ही नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर सोने का हिरण वो लेने नहीं भी जाते तो भी सीता जी का हरण होता ही, किसी और तरह से होता। मैंने क्या ऐसा कहा, जो होने वाला था वो ही हुआ। मेरे को तो उन्होंने देखा, कहा, गए, यहां रावण ले गया, ये सब कुछ कुदरती रचना है। उसमें से कोई भी परिवर्तन करने की स्वतंत्र शक्ति किसी के पास नहीं है। कंपलसरी का मतलब क्या हुआ? कुछ भी नहीं। इसको थोड़ा और समझना पड़ेगा मुझे भी। जरूर जरूर जरूर। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। यस नेक्स्ट, मिसेस जोशी प्लीज। हेलो आनंद स्वामी। हाँ जय सच्चिदानंद। हमारे घाती कर्म माटे पूछवानो तू, आप मनुष्य जन्म मा जारे आपड़े आईए तारे बदाज घाती कर्मो अनंत जन्म ना साथे जोए? घाती कर्म तो यस, इट इज कैरी फॉरवर्ड बर्थ टू बर्थ, यू आर राइट। अघाती कर्मो एक ही बर्थ का होता है। घाती कर्म इज कैरी फॉरवर्ड विथ मैच्योरिटी एंड विथ क्यूमुलेटिव एवरी बर्थ, तो वो गाढ़ होता रहता है। तो उसके उसके लिए ये जन्म में ही पूरा के पूरा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, जितना माइनस होगा उतना। ऑफ कोर्स 100% आप कर सकते हैं, इसको मिटा सकते हैं। घाती कर्म वो अघाती कर्म या नए कर्म को बांधने का इंस्ट्रूमेंट है। आप इसको इंस्ट्रूमेंट को मिटा दो, रो मटेरियल को। ओके, दैट्स इट, यू कैन डू। एक दो तीन अवतार में भी खत्म कर सकते हैं, भले लाख अवतार से बने हुए हैं। ओके, मैक्सिमम जन्म में मगर वो उसका फॉर्मेट जो है वो अज्ञान है ना। एंड व्हेन यू डिस्ट्रॉय द इग्नोरेंस, उनका पावर क्या रहेगा? धीरे 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 करके खत्म हो जाएगा। बराबर, उनका एग्जिस्टेंस ही इग्नोरेंस ही है, रिलेटिव सत्य। और जब आपने अज्ञान को ही काटने का प्रयास कर दिया तो उनका अस्तित्व कैसे रहेगा? खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि उनकी लाइफ ही वो है, वो लाइफ ही अज्ञान ही उनकी लाइफ है। बराबर। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। यस लास्ट, हाँ प्रवीण चंद्र प्लीज अनम्यूट।
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हेलो। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। कोटि जय सच्चिदानंद। कोटि कोटि प्रणाम। प्रज्ञा शक्ति अने प्रतिष्ठित आत्मामां साम्य शुं रहे? प्रज्ञा शक्ति ने प्रतिष्ठित आत्मा, प्रतिष्ठित आत्मा का रोल पुरुषार्थ करने का है। प्रज्ञा शक्ति का मतलब होता है अगर मेरे को शुद्धात्मा लक्ष्मी रहता है तो वो प्रज्ञा शक्ति हो गया, अगर मेरे को प्रकृति लक्ष्मी रहती है तो वो अज्ञा शक्ति हो गई। अच्छा अच्छा। मतलब प्रज्ञा शक्ति और प्रतिष्ठित आत्मा का बहुत कोई डायरेक्ट कंसर्न नहीं है। प्रतिष्ठित आत्मा जो है वो पुरुषार्थ करने वाला है, उसके अंदर कोई भी संजोग में दृष्टि में मैं शुद्धात्मा हूँ कि मैं देहधारी हूँ, इसके आधार से प्रज्ञा और अज्ञा काम करेगी। बराबर। दोनों है मगर आपको आपको क्या लक्ष्य में रखना है वो आपका व्यक्तिगत सब्जेक्ट है। बराबर। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हरे विराजमान, वैसे मुझ में भी विराजमान है आपका स्वरूप, वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अजागृति के वश, दृष्टि संबंधी जो कुछ भी दोष हो गए हैं और हो रहे हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, और बार बार ऐसी गलतियां न करूं, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय।